देखिए बहुत ही शानदार एक बेस बना है नेहा, मुझे लगता है कि स्टॉक में हमने पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन देखा है। चार्ट स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वापस से हाई बॉटम्स बनना शुरू हुआ है, तो मेरी राय में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट बिल्कुल बाय करके होल्ड करना चाहिए। जिनके पास पोजिशन है होल्ड करें, नई खरीदारी भी इन स्तरों पर करें, कोई हर्ज नहीं है। मुझे लगता है इसमें वापस से आपको जो लाइफ टाइम हाई लेवल्स हैं 1265-70 के लेवल्स हैं वो वापस से देखने को मिलेंगे, तो मेरी राय में बहुत सेफ बाय है, तो इन स्तरों पर बिल्कुल बाय करके चलने की राय। बिल्कुल, तो यहाँ पर चाय की कीमतों में बढ़ोतरी का जो दिख रहा है वो मेरे ख्याल से टाटा कंज्यूमर के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। 700 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री इनके पास में, तो इन्वेंट्री पर जो गेंस होता है वो गजब का होता हुआ दिखेगा। तो ये तो ये मैक्लोड रसल है, वो भी हैरिसन एंड्रू यूल, ये जो ज़्यादा असम वगैरह नॉर्थ में जिनका ज़्यादा प्रोडक्शन, तो हैरिसन मलयालम हो सकता, हाँ हैरिसन मलयालम एंड्रू यूल है, ये सरकारी कंपनी है। नॉर्दर्न प्लांटेशंस एक्चुअली ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं टाटा कंज्यूमर, तो ये सारे स्टॉक्स बढ़िया एक्शन में आ रहे हैं। टाइम ही चल रहा है मेरे को लगता है।